इधर स्ट्रेट की साइज छोटा हो गया। माननीय मधुसूदन मिस्त्री जी, मेंबर पार्लियामेंट, हमारे साथी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के आदेश पर हम लोग कल, मैं तो जनशक्ति के रूप में और मिस्त्री जी AICC के ऑब्जर्वर के तौर पर कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग अटेंड करने कल हरियाणा गए थे चंडीगढ़ में। मीटिंग में 31 में से 30 मेंबर प्रेजेंट थे, एकाध के कहीं हमारे मातमदारी हुई थी उस कारण से नहीं पहुंच पाए। और शुरू में ही जो हमारे ऑब्जर्वर थे उनकी रेख देख में प्रक्रिया शुरू ही इलेक्शन की, लेकिन जो आउटगोइंग CLP लीडर और लीडर अपोजिशन भूपिंदर सिंह हुड्डा, बहुत प्रमुख मंत्री थे, उन्होंने रेजोल्यूशन मूव किया। PCC प्रेसिडेंट श्री ने मिस शैलजा जी, कुमारी शैलजा जी अध्यक्षता कर रही थी मीटिंग की, और भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने रेजोल्यूशन मूव किया कि लेजिस्लेचर पार्टी की नियुक्ति कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को करनी चाहिए और सर्वसम्मति से वो रेजोल्यूशन पास हो गया और श्रीमती सोनिया गांधी पर ये छोड़ दिया गया कि वो लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर को नियुक्त किया। और उसके बाद हमारी दूसरी मीटिंग थी जो सब हारे और जीते हुए MLAs हैं, आगे का पार्टी कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई। तो आज हमारे जो ऑब्जर्वर थे वो कल वापस आके उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी को, जो हमारे लेजिस्लेटर्स थे, उनकी भावना से अवगत कराया। लिखित में श्रीमती सोनिया गांधी ने भूपिंदर सिंह हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर नियुक्त किया गया है। तो वो अभी नए लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर होंगे और संख्या के मुताबिक, क्योंकि 10 MLA अगर विपक्ष के पास हों तो वो विपक्ष का नेता बनता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास 31 विधानसभा के मेंबर हैं, तो बाय वर्चू ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी भूपिंदर सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता भी होंगे। तो हम सब की तरफ से उनको शुभकामनाएं, और अनुभवी लीडर हैं, दो टर्म चीफ मिनिस्टर हैं, और ये बहुत अच्छी जोड़ी है हमारे PCC प्रेसिडेंट शैलजा जी, वो भी अनुभवी हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं कई साल, और यही जोड़ी की वजह से कुमारी शैलजा PCC के अध्यक्ष और भूपिंदर सिंह जी हुड्डा CLP के लीडर, हालांकि 20-22 दिन से उन्हें ज़्यादा समय नहीं मिला, लेकिन तो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन विधानसभा में दिखाया। हालांकि 6-7 सीटें और हम जीत सकते थे, जहां 1000 और 1200 के अंदर हम जीत रहे थे, वहां कई जगह सरकार ने उनको दोबारा गिनती करके
और अपने खाते में डाल दिया, जो कि बीजेपी की आम आदत है। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इस तरह की करती, और कई जगह हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। एक आध जगह तो मुझे मालूम है कि इलेक्शन हमारे कैंडिडेट को पहले राउंड में जब बहुमत मिला तो आखिर के राउंड तक उस जो पीआरओ था उसने कोई रिजल्ट ही अनाउंस नहीं किया कि हर काउंटिंग के बाद रिजल्ट अनाउंस करना पड़ता, और जो ऑब्जर्वर था महाराष्ट्र का उसने उसे लिख कर दे दिया 3-4 बार कि आप गलत कर रहे हो, और वो लिखित इलेक्शन कमीशन को भी भेजा, लेकिन एक इलेक्शन कमीशन ने भी 10-12 घंटे के बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ, कोई कार्रवाई नहीं की। तो एक तरीके से हम कहेंगे कि जो ये हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की 40 सीटें हैं, ये 40 सीटों में असली 30-32 सीटों से वो ज़्यादा नहीं जीते हैं, बाकी सब तोड़ फोड़ जोड़ करके उन्होंने 7-8 सीटें बढ़ाई हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें 3 बिसाखियों की ज़रूरत पड़ी, एक तो चौटाला की और तीसरी विरोधी जो इंडिपेंडेंट जो उनके आए थे उनके बलबूते पे उनने सरकार बनाई है, और मुझे पूरा विश्वास है और भरोसा है कि ये टीम शैलजा जी की और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की अगले वर्षों में काम करे, और भारी बहुमत से जब कभी भी इलेक्शन होगा, मुझे नहीं मालूम कितनी देर ये सरकार 3 बिसाखियों की चलेगी, लेकिन जब भी कभी भी इलेक्शन होंगे तो कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से जीत के आएगी। मैं मिस्त्री जी को देता हूं कि अगर वो भी कुछ बोलना चाहे। मिस्त्री जी, मैं आपका बहुत बहुत जनरल सेक्रेटरी के ऊपर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप आए, पूरा दिन वहां लगाया, सबसे चर्चा भी हुई, और बड़ी शांतिपूर्ण बहुत अच्छे वातावरण में इलेक्शन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मैं चूंकि यहाँ नहीं था, मैं बहुत रात देर 9:30 बजे आया चंडीगढ़ से, और मुझे ये नहीं मालूम कि माननीय अध्यक्षा से कौन मिला है कौन नहीं मिला है, लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो हरियाणा हो या देश भर में जहाँ जहाँ भी बाई इलेक्शन हुए हैं, भारतीय जनता को पराजय हुई। सत्ता में इन तमाम जगहों में वो थे, महाराष्ट्र में भी वो सत्ता में थे, हरियाणा में भी सत्ता में थे, और कई राज्यों में जहां बाय इलेक्शन है जहां वो हारे हैं, गुजरात समेत, जहां 50% हमको सीटें आई और 50% उनको आई, तो वहां भी वो हारे हैं। तो इससे लगता है कि पिछले 6 सालों से वो जिस तरह से देश के लोगों को घुमा रहे हैं और घुमा रहे थे, अब अगले समय में देश के लोग उनको घुमाएंगे और फिर कहां फेंकेंगे ये नहीं मुझे मालूम। ये कोई नई ये नहीं है, और ये सभी पार्टीज में है। ये मैं सुन लिया, वो टिप्स ही सुन लिया टिप्स। अब हमने तो नहीं बताया ना कल एमएलए को, हम तो इलेक्शन कराने गए थे, लेकिन अगर एमएलए अपने लीडर पर विश्वास और भरोसा रखते हैं, वो खुद ही स्वयं रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो हम कहेंगे मत पर, हम पर विश्वास मत करो, लीडर पर विश्वास मत करो। नहीं, हमने बताया भी था, लेकिन तो भी उन्होंने कहा नहीं, हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ेंगे। ये तो अच्छी बात है कि कांग्रेस के अंदर अपनी लीडरशिप पर विश्वास रखना करना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और विश्वास ये रेजोल्यूशन करने वालों को भी ये विश्वास होना कि न्याय जो होगा वो अच्छा ही होगा, ये और भी अच्छी बात है।
तो मैं इतना ही कहूंगा कि देश में हवा बदल रही है और अब नौ टंकियों से ये सरकारें चलने वाली नहीं है। अब जो असली मुद्दे हैं देश के, वो बेकारी के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, वो किसानों के मुद्दे हैं, जो करोड़ों मजदूर जो जीएसटी के अच्छी तरह से न लागू करने की वजह से और डिमोनेटाइजेशन के लागू करने से और के वजह से जो उद्योग लाखों बंद हो गए हैं और करोड़ों मजदूर आज उनके पास कुछ नहीं है, और जिस तरह से किसानों की हालत, जिस तरह से कश्मीर में अभी तीन महीने से सबको बंद रखा, आज की इस दुनिया में मॉडर्न जमाने में तीन महीने एसएमएस न हो, वाईफाई न हो, व्हाट्सएप न हो, टेलीफोन न हो, ये तो स्टोन एज में लगा रहे हैं, या आगे जाने की नहीं और स्टोन एज में लगा रहे हैं। इस तरह से एक स्टेट के लोगों को कॉर्नर करना, खत्म करना, इकोनॉमिकली खत्म करना, पॉलिटिकली खत्म करना, सोशली खत्म करना, ये पॉलिटिक्स नहीं है और ये इंसानियत के खिलाफ भी है, और इसको भी देश के लोगों ने पसंद नहीं किया, बहुत एक्सप्लाइट किया है सरकार। लेकिन दो लेक ये सोचते कि देश के लोग खुश होंगे, देश के लोगों ने नाराजगी अपने मत के द्वारा दिखाई है, कश्मीर को किस तरह से ट्रीट किया गया। ये खाली आर्टिकल 370 का सवाल नहीं था, सवाल था, चलो अगर आर्टिकल 370 आपका पॉलिटिकल मुद्दा था, लेकिन स्टेट के दो हिस्से करने तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा 70 साल में नहीं था, स्टेट को यूटी बनाने किसी का मुद्दा नहीं था, स्टेट की में आप वाईफाई और टेलीफोन और टेलीविजन बंद कर देंगे, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं था, ये कहां से आ गए? ये एक बदले की भावना और नफरत की भावना, मैं ये कहूंगा कि बदले की नहीं है, नफरत की अंतिम चरण सीमा तक जाने की एक स्टेट है, उससे हमने बदला निकालना है, कॉर्नर करना। तो इन तमाम चीजों को हमारे देश के लोग सब हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं हजारों सालों से, हजारों साल और भी रहेंगे। ये जो बीच में आई है पार्टी, ये अपने स्वार्थ के लिए जो देशवासियों को बांट रही है, देशवासियों ने बहुत 6 साल सब्र किया, लेकिन अब वो बंटने वाले नहीं हैं और न इस तरह की राजनीति को बर्दाश्त करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।